हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रिया कड़ाके की ठंड में घर में हीटर जलाए घर के काम आराम से गर्माहट में कर रही थी। लगभग पूरे दिन के गुजर जाने के बाद वो शाम को खाना बनाने रसोई में जाती है, लेकिन तभी बाहर से उसका पति अमन ठंड में ठिठुरते हुए घर आता है और आकर रिया को आवाज लगाकर बोलता है, बाहर कितनी सर्दी है और अंदर कितनी गर्मी है, हे भगवान बचा ले इस ठंड से। रिया मैं आ गया, जरा पानी लाकर देना। अमन की आवाज आते ही रिया फ्रिज का ठंडा पानी ग्लास में डालकर अमन के लिए लेकर आती है और पानी का एक घूंट पीते ही अमन बोलता है, पागल हो क्या, बाहर कितनी सर्दी है पता भी है तुम्हें? तुम्हें अपने पति से प्यार व्यार है भी कि नहीं है जो इतनी ठंड में मुझे इतना ठंडा पानी पिला रही हो? यार गर्म तो कर ही सकती हो, कम से कम नॉर्मल पानी ही दे दो। अरे तो बाहर सर्दी है लेकिन अंदर तो गर्मी है। पहली बात तो ये कोट वगैरह उतार दो, अब तुम घर में हो, यहाँ तुम्हें हीटर की गर्माहट से बाहर की सर्दी का अंदाजा भी नहीं लगेगा। नहीं नहीं मैं कोट नहीं उतारूंगा, मुझे ठंड लग जाएगी। अरे बाबा नहीं लगेगी ना, मानो मेरी बात, उतारो कोट। रिया की बात मानते हुए अमन अपना मोटा सा कोट उतारता है और उसको उतारने के बाद उसको ठंड बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। ये देखकर वो बोलता है, अरे वाह क्या बात है, बाहर इतनी सर्दी और अंदर इतनी गर्मी, घर के अंदर का तापमान देखकर ना कोई ये नहीं कह सकता कि बाहर ठंड का मौसम चल रहा है। चलो अच्छा है, चलो एक काम करो ये सब साइड करो और मुझे एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो बनाकर। ठीक है जी बैठिए मैं अभी लाती हूँ। रिया कुछ देर में चाय लाकर अमन को दे देती है, जिसके बाद दोनों थोड़ी ही देर में खाना भी खा लेते हैं और आराम से अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब अमन तैयार होकर घर से निकलता है तो उसको घर से बाहर निकलते ही सर्दी की ठंडी हवा अंदर तक हिला देती है। ये देखकर वो बोलता है, अरे बाप रे इतनी ठंड, मेरा तो पूरा शरीर इतने मोटे कपड़ों के बीच में भी कांप गया। हे भगवान अंदर का तापमान देखकर ना तो ऑफिस जाने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, पर आज इतनी ठंड क्यों है, कल तक तो नहीं थी। अमन किसी तरह ठिठुरता हुआ ऑफिस पहुंचता है, जहां उसका एक दोस्त माधव बहुत मोटे से कोट को पहने कानों को टोपी से ढके चलती फिरती हुई रजाई बनकर आया हुआ होता है। ये देखकर अमन उससे बोलता है, हाँ भाई सारी दुनिया की ठंड तुझे ही लग गई क्या? और नहीं तो क्या, अरे देख नहीं रहा बाहर कितनी सर्दी हो रही है? भाई मेरी बीवी तो मुझे अच्छे से ढक के और बाहर निकलने देती है, वो शाम को घर पहुंचने पर तसले में आग जला कर रखती है, उससे थोड़ी गर्माहट मिल जाती है जिसके बाद तो रजाई में आराम से बैठकर आराम आता है। अच्छा सही है, रिया ने ना तो घर में हीटर लगा रखा है, घर जाकर तो पता ही नहीं चलता कि बाहर इतनी सर्दी है क्योंकि ना घर पूरा गर्म होता है। भाई हीटर की हीट बहुत खराब है, लगाने को तो मैं भी लगवा लूं लेकिन मेरी बीवी मना करती है, कहती है थोड़ी सी सर्दी के लिए हीटर की हीट सहने की आदत डाल लेंगे तो किसी भी ठंडी जगह पर जाने पर ज्यादा ठंड लगेगी और इससे तबीयत खराब होगी। माधव की बात सुनकर अमन को भी ये एहसास होता है कि वो सही कह रहा है, क्योंकि कल घर में गर्माहट झेलने के बाद आज सुबह उसको ठंड बहुत ही ज्यादा महसूस हो रही थी। खैर वो इस वक्त ये ना सोचकर अपने काम पर लगता है, तो वहीं रिया घर पर पूरा दिन हीटर चलाकर बैठती है, जिसके चलते एक दिन जब घर में सब्जी खत्म होने पर उसको मार्केट जाना पड़ता है तो बाहर की ठंड को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और आधे रास्ते से घर वापस आकर बोलती है, हे भगवान बाहर तो बहुत सर्दी है, ना बाबा ना मैं नहीं जाऊंगी बाहर, जो मंगवाना है ऑनलाइन ही मंगवा लूंगी, चार पैसे महंगा आ जाएगा लेकिन कहीं बाहर तो नहीं जाना पड़ेगा ना। रिया अब घर से बाहर जाना ही छोड़ देती है और अगर उसको कोई भी सामान लाना होता तो वो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती थी। रिया के घर हीटर है इसका पता मोहल्ले में सबको था, जिसके चलते रिया की पड़ोसन कमला उसके घर हीटर की हीट सेकने के बहाने आती है और बोलती है, अरे रिया बेटी जरा तेरे घर में चीनी है तो दियो जरा एक कटोरी। जी आंटी, आंटी जरा अंदर आकर दरवाजा बंद कर दीजिए, हीटर ऑन है सारी हीट बाहर चली जाएगी और बाहर की सर्दी अंदर आ जाएगी। अच्छा अच्छा मैं अंदर ही आकर बैठ जाती हूँ। कमला अंदर हॉल में आकर बैठ जाती है और रिया रसोई में चीनी लेने जाती है। घर में इतनी गर्माहट देखकर कमला खुद से बोलती है, बाहर कितनी सर्दी है और अंदर कितनी गर्मी, वाह ये रिया का घर तो इतना गर्म है कि बाहर की सर्दी का तो पता ही न चलने दे। कमला
हीटर की हीट के मजे ले रही होती है कि तभी रिया कटोरी में चीनी लेकर आती है और कमला को दे देती है, जिसके बाद कमला को वहाँ से जाना पड़ता है और अचानक से गर्म जगह से बाहर ठंडी जगह पर आने की वजह से उसको छींकें आना शुरू हो जाती हैं और वो छींकते हुए अपने घर जाती है और खुद से बोलती है, ये हीटर की गर्मी ने तो बाहर की सर्दी लगवा दी। क्या फायदा ऐसे हीट का जो तबीयत खराब कर दे। ऐसे ही समय गुजरता है। बाहर की सर्दी से बचने के लिए रिया घर के अंदर गर्मी रखती है, लेकिन उसको तो ज्यादा बाहर आना जाना नहीं पड़ता था, पर अमन उस पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था, जिसके कारण सर्द गर्म की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। और एक शाम ऑफिस से आते ही उसको तेज बुखार में तपता देखकर रिया बोलती है, ये क्या हुआ आपको? हाय राम, कितना तप रहे हैं, कमरे में चलिए आराम करिए, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। रिया अमन को कमरे में सुलाकर अपनी दोस्त नंदिनी को कॉल करती है, जो पेशे से डॉक्टर थी। कुछ देर में नंदिनी घर आकर अमन का चेकअप करती है, साथ ही घर में हीटर चलता देखकर वो अमन की इस हालत की वजह समझाते हुए रिया से बोलती है, रिया अमन की इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। अरे घर में हीटर चला रखा है और बाहर इतनी सर्दी हो रही है, इंसान अचानक से कड़कती ठंड से अंदर गर्माहट में आएगा तो उसकी तबीयत तो खराब होगी ही। लेकिन हीटर तो बना ही सर्दियों के लिए है ना? हाँ, लेकिन हीटर को पूरा दिन इस्तेमाल करने की जगह बस एक या आधे घंटे के लिए चलाओ और गर्माहट होने पर बंद कर दो। इससे हीटर से नुकसान नहीं होगा और वैसे सर्दियों को झेलना चाहिए। ज्यादा ठंड लगे तो गर्म कपड़े पहनो, आग जलाकर हाथ सेको। ये हीटर की हीट का सहारा लेकर बीमार मत पड़ो। अपनी दोस्त की सलाह मानते हुए रिया अपने घर में चल रहा हीटर बंद कर देती है। कुछ देर में घर का तापमान ठीक हो जाता है और अब समय के साथ अमन का बुखार भी उतर जाता है, जिस पर वो तबीयत ठीक होने के बाद एक सुबह ऑफिस के लिए तैयार होकर रिया के पास आकर बोलता है, अच्छा किया अब तुम हीटर नहीं चलाती। माना बाहर सर्दी है इसलिए ना घर में गर्मियाँ होनी चाहिए, लेकिन ऐसी गर्मी का क्या फायदा जो हमारी तबीयत खराब कर दे। हाँ अमन, मैंने भी सर्दी के कारण बाहर आना जाना बंद कर दिया था, लेकिन ये मेरे शरीर के लिए ठीक नहीं है। अब से मुझे कुछ लाना हुआ तो मैं उसके लिए 4 कपड़े ज्यादा पहनकर बाहर से ही लाऊंगी। रिया को समझ आ जाता है कि हीटर के फायदे से ज्यादा नुकसान है, इसीलिए वो हीटर चलाना कम कर देती है। ऐसे ही एक शाम जब अमन घर आता है तो रिया घर नहीं होती। इस मौके का फायदा उठाकर अमन घर को अच्छे से सजा देता है और जब कुछ देर में रिया घर आती है तो घर की साज सजावट देखकर बोलती है, वाओ ये सब क्या है अमन? बाहर इतनी सर्दी है और घर में हीटर भी यूज नहीं हो रहा, तो माहौल को गर्म करने के लिए मैंने ना थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर दी ताकि सर्दी के रोमांटिक मौसम में तुम्हें ठंड ना लगे। अच्छा जी, ये सब आपने मेरे लिए किया? जी मैडम जी। इतना बोलकर अमन रिया के करीब जाता है और उसको अपनी बाहों में उठाकर बेडरूम में ले जाता है, जहां दोनों आपस में कुछ रोमांटिक पल साथ बिताते हैं। और अब बाहर की सर्दी भी अंदर के गर्म माहौल को ठंडा नहीं कर पाती। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।